हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं साइंस का चैप्टर 1। और ये टॉपिक जो है वो केमिस्ट्री का टॉपिक है। और अब आप हम आपको चैप्टर 1 से पूरे कॉन्सेप्ट को समझाएंगे। तो पहले चैप्टर में आप लोगों को पता है कि पहले चैप्टर का नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों को समझ लेते हैं, जिससे कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए और रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं इसके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो आपको परिभाषा दिख रही होगी, लिखा है कि वह प्रक्रम जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण एवं रासायनिक संगठन बदल जाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो आपने देखा होगा, आपको जो वातावरण में दिखता है वो क्या होता है, मैटर होता है, पदार्थ होता है। तो आपने देखा होगा कि जो भी पदार्थ हैं उनमें कुछ केमिकल चेंजेज होते हैं, मतलब कि कुछ परिवर्तन होते हैं, कुछ रासायनिक परिवर्तन होते हैं, तो उनको हम रासायनिक अभिक्रिया के रूप में, जैसे आपने देखा होगा दूध होता है, दूध में हम क्या मिलाते हैं, उसमें हम नींबू मिला देते हैं, तो क्या होता है, उसका जो रिएक्टेंट है वो चेंज हो जाता है। मतलब कि कुछ प्रोडक्ट हैं, कुछ पदार्थ होते हैं जो एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं और उस पदार्थ की गुण को या पदार्थ के रासायनिक संगठन को बदल देते हैं। तो उसी को हमें इस चैप्टर में समझना है। वही आपकी परिभाषा कह रही है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। देखो वहां पर चेंजेज क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई दो मित्र हैं, तो इसके मतलब उनके बीच में कुछ वार्तालाप हुए होंगे, कुछ ऐसी अवस्थाएं या कुछ ऐसी प्रक्रिया होंगी, हुई होंगी, जिनसे वो दोनों मित्र बने। या कोई दोस्त है, दुश्मन है, तो उनके बीच में कुछ रिएक्टेंट होता है, कुछ प्रतिक्रियाएं होती हैं जिनसे उनके बीच में दुश्मनी या मित्रता का व्यवहार होता है। तो ठीक उसी प्रकार से अगर रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें भी कुछ ऐसे रिएक्टेंट होते हैं या अभिकारक कह लीजिए, क्रियाकारक होते हैं। तो इसमें क्या होता है, दो चीजें होती हैं। पहला होता है क्रियाकारक, क्या होता है, क्रियाकारक होता है, और दूसरा होता है उत्पाद। ठीक, इसको हम प्रोडक्ट भी बोलते हैं, प्रोडक्ट होता है, और क्रियाकारक में इसको अभिकारक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अभिकारक। तो ये दोनों हैं जो उस अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जैसे हमने बताया कि कोई मित्र है या दुश्मन है, तो एक दूसरे से कुछ वार्तालाप होती हैं, कुछ प्रतिक्रियाएं होती हैं जिनमें उनमें परिवर्तन आते हैं, चेंजेज आते हैं। तो उसी प्रकार से हम रासायनिक अभिक्रिया को परिभाषित कर सकते हैं कि वह प्रक्रम जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण एवं रासायनिक संगठन बदल जाते हैं, वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब बात करते हैं समीकरण की। ये तो बात हो गई रासायनिक अभिक्रिया की, है ना। अब समीकरण, तो समीकरण में क्या होता है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया को लिखने में बहुत बड़ा हो जाता है, तो उसको समझने के लिए सूत्रों के माध्यम से या संकेतों के माध्यम से लिखना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण प्रायः दो प्रकार के होते हैं, एक तो कंकाली समीकरण, मतलब कि जो संतुलित ना हो उसको हम कंकाली समीकरण कहते हैं, और जो अभिक्रियाएं संतुलित होती हैं, दोनों तरफ के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का बैलेंस बराबर होता है, तो वो संतुलित रासायनिक समीकरण होता है। तो उसे हम आगे अभी डिटेल से पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो समझाएंगे। तो पहले तो हम बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं, जैसे रासायनिक अभिक्रिया हो गया, तो क्या होता है, अब ये हम समझते हैं। क्रियाकारक होता है, क्रियाकारक क्या होता है कि जो इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, मतलब कि जो भाग लेता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रियाकारक, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो अब जैसे ये हो गया कि अभिक्रिया में भाग लेंगे, मतलब कि वो बॉन्ड बनाएंगे, एक दूसरे से जुड़ेंगे, और वो किसका निर्माण करेंगे, प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे, उत्पाद बनाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ये आयरन हो गया, Fe है, और उसकी अभिक्रिया हम सल्फर से करा दें, किससे करा दें, सल्फर से करा दें, तो वो क्या बनाएगा, FeS, है ना, आयरन सल्फाइड बनाएगा, क्या बनाएगा, आयरन
सल्फाइड, आयरन सल्फाइड बनाएगा। और यहाँ पर ये क्या था, ये आयरन था और ये सल्फर था। तो आपने देखा कि ये दोनों जुड़ करके ऐड हो करके क्या बनाया, एक उत्पाद का निर्माण किया जिसको हमने नाम दे दिया क्या, आयरन सल्फाइड। आयरन और सल्फर मिल करके आयरन सल्फेट। तो इसमें क्या होता है, क्रियाकारक। अब आप क्रियाकारक को कैसे परिभाषित करेंगे, तो क्रियाकारक वे क्रियाकारक मतलब यह वह प्रक्रम जिसमें रासायनिक अभिक्रिया, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो क्रियाकारक कहलाते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात जो प्रोडक्ट बनते हैं उनको हम उत्पाद कहते हैं। ठीक, ये आपको समझ में आ गया। तो इनमें क्या होता है, इनमें बॉन्ड होते हैं और वो बॉन्ड क्या होते हैं, टूटते हैं। तो उनके टूटने से जो नया प्रोडक्ट बनता है, जो नया उत्पाद बनता है, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया, ये क्या हो गया, इसे आप रासायनिक अभिक्रिया बोल सकते हो। अब इसको हम अगर यहाँ पर सल्फर लिखते हिंदी में, फिर आयरन लिखते, सॉरी गलत हो गया था, आयरन लिखते फिर सल्फर लिखते और इसको क्या लिखते, आयरन सल्फाइड, तो वो आपका रासायनिक समीकरण हो गया। लेकिन उसको जब सूत्रों के माध्यम से लिखेंगे तो वो क्या होगी, केमिकल इक्वेशन। तो इस तरह से आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लिखा है संयोजन, वियोजन, विस्थापन, ऑक्सीकरण एवं अपचयन। तो इसके बारे में हम आगे की वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। तो आपको वहाँ पर टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन वो सब हम आपको अच्छे से समझाएंगे। तो आपको यहाँ पर पहला पार्ट है, पहला चैप्टर है, तो सबसे पहले आपको बेसिक जानना जरूरी है। इसलिए हमने रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण और क्रियाकारक और प्रोडक्ट के बारे में आपको विधिवत बता दिया है, जिससे कि आपको आगे जब हम संयोजन, वियोजन, विस्थापन और ऑक्सीकरण अपचयन पढ़ाएं तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज के लिए बच्चों इस वीडियो में आपके लिए इतना ही है। अगले वीडियो में हम आपको संयोजन, वियोजन, विस्थापन और ऑक्सीकरण अपचयन का पूरा कॉन्सेप्ट समझाएंगे।